जी मैं बिल्कुल मिका जी की तरफ से यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ क्योंकि आज मेरी मिका जी से बात हुई. मैं उनसे मिली, मैंने उनकी आंखों में पहली बार आंसू देखे. उनसे जब बात करी तो लिटरली वो ही वॉज क्राइंग. इतना पेन नजर आएगा. मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी मेहनत करके हम लोग इंडस्ट्री में स्ट्रगल करके आगे बढ़ते हैं, स्टार बनते हैं, और कोई भी आके किसी स्टार पे ऐसे कंट्रोवर्सी कर देता है, उस पर इल्जाम लगा देता है. क्या इजी टारगेट होते हैं क्या स्टार्स? तो मेरी सारी बातें हुई, मैंने पूछा क्या क्यों केस हुआ, किस बारे में, प्रियंका कौन है, क्या है. तो उन्होंने बताया कि वो लड़की मॉडल है या डिजाइनर है, पता नहीं मुझे क्या है कौन है. तो वो हमेशा मोबाइल में कॉन्वर्सेशन पे हमेशा मैसेज करती है उनको, सेडक्टिव मैसेज करती है, कभी सेक्सी वाले मैसेज करती है, कभी गलत गलत टाइप के. बस एक बार मिलो, आप मुझे देखो, एक बार मिलो. एंड वो हमेशा मना करते रहे कि मुझे नहीं मिलना है, मैं बिजी हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, मैं वहाँ पे हूँ, अलग अलग कंट्रीज में हूँ. फिर भी हमेशा सताती रही. मैंने उनको कहा कि आप ब्लॉक मार देते, ब्लॉक मार देंगे तो कैसे चलेगा. तो फिर पता नहीं एक घर में एक दो बार आना जाना भी हुआ होगा, मुझे नहीं पता. बट हाँ, मिका जी उनको जानते हैं. वो अनेक काम करने गए और कुएं में गिर गए, जिसे कहते हैं. तो वैसे ही सडनली 4-5 बजे अर्ली मॉर्निंग उनके घर में घुसी. कोई तो दरवाजे से घुसता है, ये पहली बार खिड़की से घुसी. तो ये ऐसा क्या था मिका जी के बेडरूम में या उनके किचन में या उनके घर में, ऐसा कौन सा कोहिनूर हीरा लेना था कि ये खिड़की से घुस के आई और गाली गलौज करने लगी, धमकी देने लग गई और फिरौती मांगने लग गई, कभी 5 करोड़ की, कभी मैं उतना ही अमाउंट बोलूंगी, उसका एक्स्ट्रा मैं नहीं बोलूंगी, कभी कपड़े फाड़ने की धमकी, कभी कपड़े निकालने की धमकी, कभी इमीडिएटली घर में जाके 100 नंबर दबाना, हेलो पुलिस मुझे बचाओ, बचाओ भगवान के लिए मुझे बचाओ, मैं मिका के घर में हूँ और मेरा ये हो रहा है, वो हो रहा है. कितनी गलत बात है ये. देखिए, मुझे नहीं लगता कि मिका जी का रिलेशन किसी और के साथ हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा पर्सनल फ्रेंड हूँ मिका जी की. लेकिन आज से कई वर्षों पहले उन्होंने आपके साथ भी एक दृश्य किया था, वो काफी हाईलाइट. देखिए, मेरा 10 साल इंसिडेंस, 10 साल पहले मेरा इंसिडेंस हुआ, उसका मतलब आप आज उस पर ब्लेम नहीं कर सकते. मेरा मैं मानती हूँ हर इंसान से गलती होती है, लेकिन उससे पश्चाताप होता है. उस बंदे ने मुझे पर्सनल माफी मांग ली थी काफी टाइम के पहले. उसके बाद तो हम लोगों ने काफी शोज किए साथ में, काफी कंट्रीज घूमे, आईफा अवार्ड किए, कितने अवार्ड किए, कितना मिले, दिल्ली में शो किए. मेरा उनका घरेलू रिश्ता है. मैं आपको बताती हूँ, मेरा उनका इसलिए घरेलू रिश्ता है क्योंकि दिलेर पाजी के साथ अभी लेटेस्ट मैंने वीडियो किया था. तो आप सोच सकते कि मेरा कितना गहरा रिश्ता मिका जी के साथ और दिलेर पाजी के फैमिली के साथ है. मैं इसलिए कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि मैं मानती हूँ कि एक टाइम पे इंसान देखिए, हम वाल्मीकि की बात करते हैं कि वो एक टाइम पे लोगों के मर्डर करते थे. अच्छा. हाँ, लेकिन बाद में रामायण लिखी ना. लिखी. तो मैं यही मानती हूँ कि मालूम है एक बार मेरे साथ इंसिडेंस हुआ था, लेकिन आज की तारीख में मिका जी एकदम इनोसेंट है, एकदम सुधरे हुए हैं, एकदम सीधे हैं. और अभी बहुत सारी लड़कियां जिनको इंडस्ट्री में चांस नहीं मिलता, एक लड़कियां जो ऐसे स्टारों को बदनाम करने की कोशिश करती हैं, या रेप के इल्जाम लगाती हैं, या कंट्रोवर्सी में आने के लिए मिका को टारगेट कर रही हैं. क्योंकि मेरा इंसिडेंस हुआ था, उसे उन्हें ऐसा लगा कि मैं ऐसे प्लान करूं. उस प्रियंका के पीछे 4-5 लोग और है, वो अकेली नहीं है, पुलिस सब बताएगी आपको. 4-5 लोग और है जो बिल्डिंग के नीचे खड़े थे और उसे ऑफिस है ना 4 बंगला महाड़ा में समवेयर, हाँ, तो वहां पे बाहर खड़े थे और इसे खिड़की में से ऐसा पुश किया था कि तू जा, हम बाहर है सब. तो ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, पुलिस को सारा चीज है. तो अभी वो मेरे पास तो आई नहीं, तो वरना मैं तो खुद ही उसका सब पूछ लेती, भाई बात क्या है, और आप लोग को बता देती मैं सब. लेकिन अगर कहीं मेरा फोन उठा नहीं रही है, मैं फोन कर रही हूँ. तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ, पुलिस में कहीं साबित नहीं होगा कि मिका जी फॉल्ट में, वरना मिका जी मुझे सब कुछ बता देते. मैं मिका जी के इतने करीब हूं, मैं आपको चैलेंज करती हूं
कि वो लड़की गलत है, मैं कभी भी महिलाओं को सपोर्ट किया। मोदी जी ने इतने अच्छे कानून बनाए महिलाओं के लिए, पहली बार मोदी सरकार ने, एनडीए सरकार ने पहली बार इतने अच्छे कानून आज तक नहीं बने थे कि किसी लड़की के साथ बुरा होता है, छेड़ते हैं, आई टीजिंग होता है, या उसको कुछ भी होता तो जाके पुलिस स्टेशन में बिंदास कंप्लेंट कर सकती है, यू नो। लेकिन कुछ लड़कियां जो इस कानून जो बनाए इसका गलत फायदा उठा रही, ये गलत बात है, गलत फायदा उठा रही है। अब मुझे बहुत दुख हो रहा है कि उन पीड़ित लड़कियों को इस चीजों का भुगतना पड़ेगा। बहुत मैं बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ मोदी जी का, एनडीए सरकार का, राजनाथ जी का। इतना मैं पहली बार जब मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, भैया अमीरों के तो अच्छे दिन हमेशा आते हैं, पहली बार गरीब के घर में अच्छे दिन आए हैं। हमारे जो दलित भाई बहन है उनके नेता को बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बाद पहली बार एक दलित नेता चुना गया है और उनको पावर दिया गया है, ताकि जो हमारे दलित भाई बहन है, जो गरीब है, जो असली गरीब है, आपका मैं बता दूं कि दलित भाई बहन जहां जहां रहते हैं वहां पे उनके लिए टॉयलेट तक नहीं बनाए गए। वोटिंग में हर कोई वोट लेने के लिए वादे किए लेकिन उन तक टॉयलेट तक नहीं बनाए गए, उनके बच्चों के लिए अच्छा स्कूल नहीं है, उनके लिए अच्छी सुविधाएं नहीं है, आरक्षण नहीं है, यू नो। तो बहुत अच्छा किया मोदी जी ने कि अठावले साहब को मिनिस्टर घोषित किया, और देर आए दुरुस्त आए मैं तो कहती हूँ, और उनको और ज्यादा बड़ा पद मिलना चाहिए था। ये कोई देख के आप फिर से तो पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करेंगे? नहीं, मैं कोई पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, नहीं ज्वाइन करूंगी, लेकिन आरपीआई पार्टी को हमेशा सपोर्ट करती रहूंगी, बीजेपी और आरपीआई को हमेशा सपोर्ट करती रहूंगी। अठावले साहब कहते हैं मुझे, राखी तू आमचा साथी भरपूर लकी आहेस, मतलब तू हमारे लिए बहुत लकी है कि जब मैं पार्टी में गई, आरपीआई पार्टी और बीजेपी गठबंधन हुआ, अलायंस में आए, शिवसेना हटी और आरपीआई पार्टी एंड बीजेपी का गठबंधन हुआ, और अभी मुझे कहा गया मंत्री बनने से पहले कि तू आमचा साथी भरपूर लकी आहेस, और मोदी जी ने उनको एक मिनिस्ट्री का पद दिया। और मैं बहुत खुश हूं कि मोदी जी जो गरीब लोग हैं उनकी तकलीफ जानते हैं, उसे भाषण देना नहीं जानते, उनकी तकलीफ जानते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि वो शहर शहर हर जगह अलग अलग कंट्रीज में जा रहे हैं ताकि एक फंड इकट्ठा कर सके इंडिया के लिए, इंडिया के लिए बिजनेस लाए। ये तो अच्छी बात है ना कि वो अलग अलग कंट्रीज जाते हैं तो इंडिया का नाम बड़ा होता है। जो कंट्रीज इंडिया को नहीं भी जाती जानती उनको रिप्रेजेंट करते हैं पर्सनली जाके। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर का इंडिया का नाम दूसरी कंट्रियों में नाम बड़ा हुआ हो। मैंने सुना था कि मोदी जी को यूएस में पासपोर्ट, उनका वीजा भी नहीं दिया गया था, फिर भी वो ईगो को अपना नीचे रखकर यूएस में जाके ओबामा जी से सबसे मिले सिर्फ इंडिया के लिए। कितनी अच्छी बात है कि हमारे इंडिया में बिजनेस आ रहा है, ज्यादा ज्यादा से ज्यादा लोग अच्छी नौकरियां करेंगे, बिजनेस आएगा तो सब हर कोई खुश रहेगा। आप मुझे मिका जी की वकील कहिए, दोस्त कहिए, एक्स वाई जेड, आप कुछ भी कर सकते हैं, कह सकते हैं, तो वो आप कुछ कहिए। देखिए मिका जी इसलिए नहीं आ रहे, इसलिए मैं प्रेस के सामने आई हूं क्योंकि उन पर धारा है, कौन सी लगाई गई है, तीन धाराएं लगाई गई है, वर्सोवा पुलिस स्टेशन में तीन धाराएं उनको उन पे लगाई गई है, 354, 323, 504 आईपीसी की धाराएं लगाई गई है। तो वो उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा मैं मीडिया के सामने आऊंगा और हम दोनों बैठेंगे, उनके वकील हम तीनों ही बैठेंगे, मीडिया को सारी सच्चाई बताएंगे, उनसे पहले उनको बेल लेनी है। उन्होंने कहा मैं पहले बेल ले लूं क्योंकि ये हमारा कानून है और उनको पहले पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, अभी पुलिस उनको पुलिस स्टेशन बुलाएगी, उनका बयान लेगी। उन्होंने लेटर तो भेजा ही है कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, थैंक गॉड के सीसीटीवी फुटेज था, सीसीटीवी मैं कहती हूँ हर घर घर में सीसीटीवी लगाना चाहिए, हमारे मेरे घर के बाहर भी है, हर इंसान के छोटे बड़े हर घर में, मैं तो बोलते आजकल जमाने में खाना ना हो तो चलेगा सीसीटीवी लगाओ, ताकि आपके साथ गलत होता तो एटलीस्ट आपके पास प्रूफ तो है, मीडिया हो या कानून हो बगैर सबूत के तो बात ही नहीं करता है ना। यहाँ पे तो सबूत, अगर जिसके पास सबूत नहीं है
तो क्या वो बेकसूर नहीं है?